मुंबई के नागपाड़ा इलाके में सिटी सेंटर मॉल में देर रात आग लग गई। जिस समय आग लगी मॉल में करीब 500 लोग थे। हालांकि सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया और इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि मॉल के सेकेंड फ्लोर पर स्थित एक मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और फिर ये पूरे फ्लोर पर फैल गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। आग इतनी भीषण थी कि रेस्क्यू के दौरान दो फायर फाइटर भी मामूली जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि आग के बाद आसपास की इमारतों और दुकानों से तकरीबन 3500 लोगों को निकाला गया है। आपको बता दें कि जैसे ही आग लगी मॉल संचालकों ने मॉल के आसपास की दुकानों को खाली कराना शुरू कर दिया था। बताते चलें कि रात 9 बजे आग लगी थी, रात 2:30 बजे लपटें आसपास की बिल्डिंगों तक पहुंचने लगी। पहले यह आग सिर्फ एक दुकान में लगी थी और फिर इसने मॉल के एक फ्लोर को अपने कब्जे में ले लिया। मॉल में वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से मॉल में धुआं काफ़ी ज़्यादा भर गया था। इसके चलते फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉल की ग्लास को तोड़ा ताकि धुआं बाहर निकल सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।